तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे आप कैसे स्कार्फॉल को खेल सकते हो। तो मैंने नोटिस किया बहुत सारा नया नया बंद स्कार्फॉल को खेल रहे, तो आप भी कैसे खेल सकते हो, मतलब एक ट्यूटोरियल दूंगा कि नया प्लेयर कैसे खेल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट करना तो शुभ होते है ना। तो मैं पहले यह का लैंग्वेज बदलकर इंग्लिश कर दूंगा, क्योंकि ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, क्योंकि मुझे इंडोनेशियन लैंग्वेज बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने इंडोनेशियन लैंग्वेज में रखा है। तो चलो इसको इंग्लिश कर देते हैं पहले, इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। तो नीचे आपको यहाँ पर राइट साइड में जो स्टार्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कुछ सेकंड पहले, मतलब लास्ट बार जो मैच खेल के आया हो, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब हम बताएंगे कि आप कैसे मैच सिलेक्ट कर सकते हो, कि TDM क्लासिक या फिर सर्वाइवल कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर मिल रहा है, देख लो आप यहाँ पर एक बार, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और इधर आपको क्लासिक सर्वाइवल या फिर TDM जो भी मोड चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह नीचे एकदम है TDM, यहाँ पर यह सर्वाइवल भी है और क्लासिक भी है। तो आप यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट बटन में क्लिक कर। एंड यहाँ पर आपको स्क्वाड का बटन मिल रहा है, अगर यहाँ पर सोलो मोड दबाएगा तो यहाँ पर सोलो का भी आइकन होगा, यहाँ पर आप सोलो स्क्वाड सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद फिर से हम बैक आते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है क्रिएट प्राइवेट सर्वर। तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइवेट सर्वर क्लिक करके आप क्रिएट में क्लिक करके कैसे एक प्राइवेट सर्वर बना सकते हो, जहाँ पर आप अपना दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लो कि कैसे आप स्कार्फॉल अपना दोस्तों के साथ खेल सकते हो, वो वीडियो देखो तो प्राइवेट सर्वर के बारे में आपका नॉलेज और भी बढ़ जाएगा। तो ऊपर कैसे यहाँ पर आपका जो भी फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड है वो आप देख सकते हो। तो कैसे यहाँ पर रिफ्रेश बटन भी है, अगर आपका कोई फ्रेंड्स स्कार्फॉल खेलता है और वो आपका फेसबुक फ्रेंड्स है, तो आपका कोई भी अगर फेसबुक फ्रेंड स्कार्फॉल खेलेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर भी उसको फ्रेंड बना सकते हो। तो मैंने बोला ना कि मैं कैसे स्कार्फॉल को फ्रेंड के साथ खेल सकूँ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसको जाकर देख के आओ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप खेल सकते हो और कैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कैसे आपका फ्रेंड्स रिमूव कर सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे दूसरे का आइकॉन है, मतलब कुछ सेकंड पहले, मतलब लास्ट बार आप किस बंदे के साथ खेल के आए हो वो यहाँ पर दिखाएगा। तो गाइस मैंने जो वीडियो बनाया है फ्रेंड के साथ कैसे खेल सकते हो वो देख के आओ, तो इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर पेन आइकन में क्लिक करके कैसे आप किसी भी को ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ पर उसको रिमूव भी कर सकते हो। ऐसे ब्लॉक में क्लिक करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, आपका पास रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएगा। अगर फिर से अनब्लॉक में क्लिक करोगे तो वो अनब्लॉक हो जाएगा एंड आप किसी को भी यहाँ पर से रिमूव कर सकते हो। तो गाइस आप हम ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो आप यहाँ पर जो ऊपर जो है ये आपका प्रोफाइल, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल में आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो या फिर यहाँ से निकनेम भी चेंज कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपका जो नाम है यहाँ पर क्लिक करके आप अपना निकनेम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैसे एक निकनेम डाल देता हूँ मेरा हिसाब से, तो आप भी अपना निकनेम यहाँ पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर से फेसबुक का लॉगआउट भी कर सकते हो, अगर फेसबुक से अभी तक लॉग इन नहीं किया तो लॉग इन भी कर सकते हो इधर से। तो गाइस अब हम बैक आते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका किल कितने हैं वो भी देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर इसके बाद जो आते हैं वो है क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो प्लस आइकन है यहाँ पर क्लिक करके तो आप यहाँ पर से क्रिस्टल पार्सेस भी कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ पर पार्सेस नहीं करूँगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ऐसे यहाँ से भी पार्सेस कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर ब्रोजन कॉइन भी है, ब्रोजन कॉइन का पार्सेस करने का कोई तरीका नहीं है, आपको गेम खेल के ब्रोजन कॉइन सीनना पड़ेगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे आप स्टोर से कैसे कोई भी चीज खरीद सकते हो और कैसे गान लॉबी में शो कर सकते हो, कैसे ड्रेस आपको इक्वाई कर सकते हो, सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो स्टोर में चलते हैं। और गाइस स्टोर में आने के बाद यहाँ से आप कुछ भी चीजें खरीद सकते हो। तो गाइस यहाँ पर कुछ चीजें मिशन लिखा है, तो इसके लिए आपको मंथली मिशन में जाना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो मैं पहले कुछ एक चीजें खरीद लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक इमोट ले लेता हूँ इधर से। तो गाइस मैं ये इस इमोट को लूंगा 15 दिन के लिए, तो जो 15 डेज यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड इसके बाद जब यस करूंगा तो देखो ये चीज़ें हमारा हो गया है। तो आप चलिए एक गन स्किन को खरीदते हैं एंड उस गन स्किन को हम कैसे इक्वाई कर सकते हैं वो भी दिखेंगे। तो मैं इधर से एक गन स्किन को खरीद लूंगा, तो मैं एक स्नाइपर की स्किन खरीद लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो स्नाइपर में, तो मैं यहाँ पर एक भी क्रिस्टल खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो आप मैं इस स्किन को खरीद लेता हूँ स्नाइपर का 30 डेज के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ब्रोजन कॉइन है तो मैं ब्रोजन से खरीद लूंगा।
तो गाइस परमानेंट सी से तो मेजर अपडेट में आएगा, इसके बाद आप परमानेंट मिलेगा। तो आप जो भाषण है इसमें आपको सिर्फ 30 डेज या फिर 15 डेज के लिए मिलेगा। तो चलिए आप ये जो ड्रेस है या फिर गानी स्किन है वो हाथ में कैसे लेते हैं, उसका स्किन कैसे इक्वाई करते देखते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेंटरी में जाना पड़ेगा। एंड गाइस इधर आके आप ड्रेस भी देख सकते हो, आपका कोई भी ड्रेस यहाँ पर से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो मैं पहले वाला ये जो ड्रेस है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये इक्वाई हो गया है। तो गन स्किन इक्वाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं कुछ सेकंड पहले इस स्नाइपर का एक स्किन खरीदा था, तो आप देखो हाथ में गाइस नॉर्मल स्किन है मेरा हाथ में, देखो अरे भाई हाथ से गायब हो गया है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको पहले ले लेता हूँ, तो देखो इधर एक आइकॉन आ गया है, मतलब ये हमारे हाथ में आ गया है। तो देखो नॉर्मल स्किन हाथ में आया है, इसका कोई रेयर स्किन नहीं आया। तो रेयर स्किन को भी लेने के लिए गाइस आपको इधर फिर से जाना पड़ेगा। एंड आपका तो स्किन हमने कुछ देर पहले खरीदे थे, इसके ऊपर क्लिक करके गाइस इसको सिंपली इक्वाइप में क्लिक करके इसे हम ले सकते हैं इसे गाइस। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तो आइकॉन आ जाएगा, इसके बाद स्किन भी इक्वाइप हो जाएगा। तो आप लॉबी में आओगे तो आप देखोगे आपका हाथ में वो स्किन आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं मंथली मिशन के बारे में। तो मंथली मिशन का इस यहाँ पर आप देख लो, मंथली मिशन तो भाई फ्री में एक बहुत बढ़िया चीज़ें है। यहाँ पर आप फ्री में मिशन कंप्लीट करके बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। वैसे मैं स्कार्फॉल ज़्यादा नहीं खेलते, इसलिए गाइस मैंने ज़्यादा मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो मिशन कंप्लीट करके बहुत सारा चीज़ें फ्री में ले सकते हो गाइस। तो गाइस आप हम यहाँ पर नीचे चलते गाइस, चलो। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटर्स है, यहाँ पर जाके आप जाओगे स्कार्फॉल का जो भी पार्टनर प्रोग्राम में है अभी जो यूट्यूबर है इधर आ जाएगा। आप यहाँ से किसी भी आइकन का ऊपर क्लिक करके उसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है एक्स स्कॉट का सोशल मीडिया, मतलब स्कार्फॉल का जो डेवलपर है उसका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो। तो आप हम जाते हैं ऑल सेट में। तो ये ऑल सेट बेसिकली बना है आपका दोस्तों का साथ बात करने के लिए। आप यहाँ पर गाली भी दे सकते हो, तो आपको यहाँ पर जो भी गाली आपको आते हैं यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर आपका गाली डाल देना या नहीं यहाँ पर से सेंड कर देना, कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर आप गाली भी दे दो, आपका मनपसंद जो भी गाली है वॉल सेट में डाल सकते हो। तो मैं इसे मुझे कोई गाली नहीं आता, मैं कैरे भी नहीं थी कि वीडियो देखने स्टार्ट किया सिर्फ गाली सीखने के लिए। तो जब मैं सीख जाऊँगा तो गाली दूंगा, तो आप मुझे नहीं आता इसलिए नहीं दूंगा। तो नीचे का इसके बाद जो आता है वो है आपका ईमेल आइकॉन, यहाँ पर क्लिक करके कैसे यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर ईमेल आइकॉन में क्लिक करके आप इस एक्सिस कार्ड का पास कोई भी लैक का ईमेल भेज सकते हो। एंड 4-5 ईयर के बाद आपका रिप्ले आ जाएगा। एंड नेक्स्ट तो है ये है आपका सेटिंग आइकॉन, इधर क्लिक करके कहीं से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। तो लेफ्ट साइड फायर बटन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो पिकअप भी ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड कस्टमाइज कंट्रोल जो है इधर से आप कस्टमाइज कंट्रोल में क्लिक करके आपका हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कंट्रोल कर सकते हो, इसके बाद सेव कर सकते हो। गाइस सेव करने के बाद यहाँ पर जो आते हैं ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में आके आप अपना मनपसंद ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं सेंसिटिविटी, तो अपना सेंसिटिविटी अपना डिवाइस के हिसाब से रखना, यहाँ पर ऑडियो है ये भी अपना हिसाब से रखना। एंड जो लैंग्वेज है मैं बाद में जाऊँगा। इसके बाद पिकअप में आओ, यहाँ पर आपका पिकअप का जो लिमिट है, मतलब कितना एम पिकअप करके कितना जो एक्सक्लूसिव है पिकअप करके कितना इसको पिकअप करके आप इधर से आप रख सकते हो आपका जो भी मनपसंद है। तो इसके बाद जो आते हैं क्विक सेट, तो क्विक सेट भी अपने हिसाब से एडिट करना, इसके लिए आपको सिंपली से सेंस में क्लिक करना पड़ेगा। एंड कोई भी आप रिमूव कर सकते हो, तो माइनस में क्लिक करो एंड वो रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर आप कोई भी ऑल सेट, मतलब यहाँ पर जो है वॉइस सेट ऐड कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई भी एक मैसेज ये जो राइट साइड यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं हेल्प को ऐड करना चाहते हो, तो मैं पहले यहाँ पर हेल्प के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है देखो यहाँ पर एक प्लस आइकॉन है जहाँ पर हम रिमूव किए थे, तो प्लस में जब क्लिक करेंगे तो देखो वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर हेल्प को ऐड कर देता हूँ प्लस आइकॉन में क्लिक करके, तो देखो हेल्प ऐड हो गया है। एंड इधर अब हम जाते हैं लैंग्वेज में, यहाँ पर से अपना पसंद लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फिर से इंडोनेशियन कर देता हूँ। एंड आप गाइस आपको क्या करना है कि गाइस यहाँ पर तो एग्जिट बटन यहाँ पर क्लिक करोगे तो गेम एग्जिट हो जाएगा। तो गाइस मैंने आपको सिंपली से बता दिया है कि स्कार्फॉल का हर लॉबी का बटन क्या है। एंड अगर गेम प्ले के अंदर कोई ट्यूटोरियल चाहिए वो भी कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसका पार्ट टू, तो वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे मैच के अंदर से आप गेम खेल सकते हो। तो गाइस आज के लिए यही था, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।